नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतन सोलंकी है और मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से हूँ। तो आज जो मेरी कविता है वो आज के समय से थोड़ी सी विपरीत है। विपरीत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में हम बहुत बिजी हो गए हैं अपने सपनों के पीछे भागने में, बिजी हो गए हैं अपने मंजिलों को अपनाने में, पर कहीं ना कहीं इस भागा दौड़ी में ना कुछ रिश्ते, कुछ एहसास, कुछ बातें छूट जाती हैं। हम इस भागा दौड़ी में अपने आप को भूल गए हैं। तो इन्हीं बातों पर कुछ रोशनी मैं डालना चाहता हूँ अपनी कविता के द्वारा। माफ़ कीजिएगा, इसका शीर्षक मैं दे नहीं पाया, तो आप सबसे विनती करता हूँ कोई शीर्षक आपको इसके लिए अच्छा लगे तो कृपया मुझे बताइएगा। कि न जाने क्यों दिल करता है आज खुलकर जीने का, न जाने क्यों दिल करता है आज खुलकर जीने का, न जाने क्यों दिल करता है चेहरे पर एक बेफिक्री मुस्कान लाने का। बेफिक्री मुस्कान इसलिए मैंने कहा था क्योंकि आज जब भी हम मुस्कुराहट देखते हैं किसी के चेहरे पर, वो मुस्कुराहट कहीं ना कहीं बनावटी होती है। बनावटी इन द सेंस उसमें ईर्ष्या होती है, थोड़ी फिक्र होती है, थोड़ा दुख होता है, मन के भाव कुछ और होते हैं, पर चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। तो बस एक ऐसी मुस्कुराहट मैं देखना चाहता हूँ हम सभी के चेहरे पे, जो बेफिक्री हो, बिना किसी ईर्ष्या के हो। तो दोबारा पढ़ना चाहूँगा इन पंक्तियों को कि न जाने क्यों दिल करता है आज खुलकर जीने का, न जाने क्यों दिल करता है चेहरे पर एक बेफिक्री मुस्कान लाने का, न जाने किस तन्हाई में खो सा गया हूँ, बस आज मन करता है खुद से खुद को मिलाने का। इस जीवन के सफ़र में अकेला हो गया हूँ, इस जीवन के सफ़र में अकेला हो गया हूँ, ना जाने क्यों आज अपनों से ही अनजान हो गया हूँ, ना जाने क्यों आज अपनों से ही अनजान हो गया हूँ। कहाँ गया वो वक्त जब माँ की गोद पे सिर रख कर हाले दिल बता दिया करते थे, कहाँ गए वो दिन जब पिताजी के गले लग कर अपना मन हल्का कर लिया करते थे। आज मन करता है इस अकेलेपन को बुलाने का, माँ की गोद में सिर रखने का और पिता के गले लगने का। खुशियों के गीत तो बहुत हैं, खुशियों के गीत तो बहुत हैं, आज मन करता है किसी एक को गुनगुनाने का। हर दिन एक नई सुबह के साथ एक नई उदासी आती है, हर दिन एक नई सुबह के साथ एक नई उदासी आती है, आज मन करता है उस उदासी को खुशी में बदल देने का, बस आज मन करता है खुद से खुद को मिलाने का।